नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और 5 फरवरी को सर छोटूराम की जयंती पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बुलाए जाने को लेकर जहां पर विरोध की स्थिति देखने को मिल रही थी, जिला अध्यक्ष जो थे चडूनी ग्रुप के सुधीर जाखड़ के द्वारा एक बयान जारी किया गया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर या तो किसान भवन के प्रधान अपना फैसला वापस ले लें, नहीं तो हम लोग उस कार्यक्रम का विरोध करेंगे। और उसी कड़ी में आज सुरेंद्र महावटी जो हैं सोनू मालपुरिया के खिलाफ समालखा से प्रधानी पद के लिए भी उम्मीदवारी ठोक रहे थे और उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है। उनका कहना है कि प्रधान के द्वारा जो बयान जारी किया गया है, प्रधान के द्वारा जो फैसला लिया गया है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बुलाने को लेकर, हम उसकी खिलाफत करेंगे। और आने वाली 5 फरवरी को जिस दिन अजय चौटाला सर छोटूराम की जयंती पर पहुंचेंगे, हम उस दिन प्रदर्शन करेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो एक हमारी दोस्ती है, हम अपनी दोस्ती निभाने के लिए हम अपने कुछ समस्या होगी भी उनके सामने रखेंगे, तो उनको मुख्य अतिथि हमने यहाँ भवन में बुलाया। हम जान की बाजी लगा देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, विरोध करेंगे। और किसान भवन जो हमारा मंदिर है उसमें जेजेपी या बीजेपी के नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। जब मैं अगर इसका प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया गया तो हम धरना जुलूस करेंगे। यहाँ स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, लैंड ऑर्डर खराब हो जाएगा अगर उसने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में किसान भवन में दीन बंधु सर छोटूराम की जयंती पे आने की कोशिश की। तो और भाई हमारे मुख्य अतिथि हमारे दोस्त हैं, ये अपने सिस्टम का निजी फैसला है। हमारे अजय चौटाला जी हैं, डॉक्टर अजय चौटाला जी, वो हम साथ रहे हैं और बड़े भाई हैं हमारे। तो अरुण के जो भी विचार हैं वो मतलब कि मैं जैसे साथ रह के देखे है, जिक्र हुआ करते, लेकिन उनके किसानों के हक के विचार हैं, किसान के विरोध में विचार उनके मैंने कभी नहीं देखे। तो एक हमारी दोस्ती है, हम अपनी दोस्ती निभाने के लिए हम अपने कुछ समस्या होगी वो भी उनके सामने रखेंगे, तो उनको मुख्य अतिथि हमने यहाँ भवन में बुलाया 5 फरवरी। साथियों नमस्कार। साथियों, जहां हमारा किसान आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे साथ सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसके विरोध में हम 31 जनवरी को विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में बहुत गंभीर समस्या पानीपत जिले में पैदा हो गई है। केवल पानीपत जिले ही नहीं, पूरे हरियाणा के किसानों को मैं बताना चाहता हूँ कि पानीपत जिले में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला प्रधान सोनू मालपुर द्वारा किसान भवन में 5 फरवरी को दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पे जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, हमने केवल बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध बंद किया था, ऐसा नहीं था कि भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान कथित तौर पर टिकैत गुट के जिला प्रधान सोनू मालपुर अपने हमारा जो किसान भवन जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे किसानों ने अपने खून और पसीने से जिसको सींच कर इतना बड़ा खड़ा किया, वहाँ दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पे 5 फरवरी को अजय चौटाला को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। साथियों, हमारा प्रदेश के तमाम जितने भी टोल टैक्स की कमेटियां हैं, जितने भी किसान संगठन हैं और पानीपत जिले के खासकर किसानों से अपील है कि 1 फरवरी को इसके विरोध में हम पानीपत किसान भवन में महापंचायत करेंगे। और अगर 72 घंटे के अंदर जो कथित तौर पर टिकैत यूनियन के भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान हैं सोनू मालपुर, अगर वो अपना इस फैसले को नहीं बदलेंगे तो भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम जेजेपी के नेता को भी संदेश भेजना चाहते हैं कि वो इस तरीके का निमंत्रण स्वीकार नहीं करें। यहाँ स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, लैंड ऑर्डर खराब हो जाएगा अगर उसने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में किसान भवन में दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पर आने की कोशिश की। तो साथियों, मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में लोगों को जागरूक करें। और जो है अजय चौटाला को किसान भवन के अंदर सर छोटूराम की जयंती पर बुलाने की चर्चाएँ चल रही है, उसको कैसे देखते हो? उसको गलत नज़रिए से देखते हैं हम। एक तरफ तो सरकार में उनका हाथ है, सरकार के साथ हमारा किसान यूनियन का कोई समझौता नहीं है। अराजनीतिक पार्टी है ये, अराजनीतिक पार्टी है हमारी किसान यूनियन, और हम तो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ लड़ते हैं और उसी के खिलाफ रहते हैं।
और 5 दिन पहले तो ये कह रहे थे कि सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, धरना उठवा दिया, और 5 दिन के बाद ये जो सरकार में मौजूदा आदमी है उसको यहाँ भवन में बुला रहे हैं। तो इनकी मनसाएँ राजनीति की तरफ है, इनको किसान यूनियन से कुछ लेना देना नहीं है, और इनकी मनसाएँ राजनीति की तरफ है। कोई MLA का टिकट लेना चाहता है तो कोई किसी चीज़ का। प्रधान का फैसला ये? हाँ, ये सोनोमल प्रिय प्रधान का फैसला है, और मैं तो उसकी खिलाफत करता हूँ कि ये फैसला ठीक नहीं है। प्रधान जी, अच्छी तरह से आप यूनियन को चलाएं और यूनियन का भला करें। धन्यवाद। एक जो सुधीर जाखड़ है तरुणी के, जो जिला प्रधान है, हाँ, उनकी तरफ से कहा अभी गया कि 72 घंटे का टाइम है, या तो कैंसिल करें उनका प्रोग्राम, नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे उनका। हाँ, ये सुधीर जाखड़ जी ने ठीक कहा है, अगर यूनियन में अगर इसका प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया गया तो हम धरना जुलूस करेंगे। आप भी करोगे? हाँ जी, 5 तारीख को ही। तो सुना आपने, किसान भवन के जिला प्रधान सोनू मालपुरिया का भी बयान सुना, और चडूनी ग्रुप के जिला प्रधान सुधीर जाखड़ और अब सुरेंद्र मावटी जो हैं उनका भी बयान सुना, और इन बयानों से तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दिन आने वाली 5 फरवरी को टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। बहरहाल, वो तस्वीरें भी हम आपको सिटी तालिका के माध्यम से दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।